खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां बाजार से लापता हुई युवती की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पहले युवती के पास वाले इलाके में किराए पर रहता था, युवती की शादी से वह गुस्से में था और इसी के कारण उसने युवती की हत्या कर दी थी। देखिए संभल से उमेश दानिश की रिपोर्ट। यही है पुलिस की गिरफ्त में वह आरोपी जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि हत्या की ये सनसनीखेज वारदात चंदौसी कोतवाली के मोहल्ला हनुमानगढ़ी में हुई थी, जहां विवाहित युवती का 31 मई को बनियाठेर थाना इलाके में शव मिला था। पुलिस के अनुसार 29 मई से वह युवती लापता थी। हत्या के 24 घंटे में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार नवम्बर माह में युवती की शादी हुई थी, आरोपी पहले से ही शादीशुदा है। युवती की शादी से आरोपी नाराज था, उसने 29 मई को धोखा देकर उसने युवती को बुलाया और जंगल में ले जाकर गला घोटकर उसकी हत्या कर शव को गन्ने के खेत में छिपा दिया। खेतों में काम करने गई महिलाओं ने शव को देखा था, पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एसपी ने मामले का खुलासा करते हुए हत्या की वजह बताते हुए कहा कि ब्लाइंड मर्डर का पता लगाने में सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर खुलासा किया गया है। 31 मई को दिन में थाना बनियाठेर में आटा चौकी क्षेत्र में एक गन्ने के खेत में एक महिला का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी, जिसकी पहचान प्रीति पुत्री पन्नालाल निवासी चंदौसी थाना के रूप में हुई थी, जो कि 29 मई से अपने घर से गायब थी, जिसके संबंध में 30 मई को थाना चंदौसी में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। बॉडी का पीएम कराया गया, जहां पे मृत्यु का कारण दम घुटना पाया गया। इस संबंध में परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना चंदौसी में मुकदमा दर्ज कराया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। इसमें 24 घंटों के अंदर घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त आकाश शनौफ रामसेवक निवासी पागवाड़ा मुरादाबाद को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत लगाए गए सीसीटीवी तथा सर्विलांस की टीम का योगदान अहम रहा। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि जुलाई 2023 में चंदौसी में वह महिला के पास घर के पास किराए से रहता था, जब ही उसका महिला से संपर्क हुआ। बाद में नवम्बर 2023 में महिला की शादी उधम सिंह नगर में हो गई, जिस बात से वो खिन्न था और महिला से तब भी लगातार वो संबंध बनाने की कोशिश करता था। हाल फिलहाल में जब महिला अपने घर चंदौसी आई हुई थी, तब उसने उससे संपर्क किया तथा उसको घुमाने के बहाने लेके गया और घटनास्थल पर गन्ने के खेत में ले जाकर उसी की ही चुन्नी से उसका गला घोट के उसको मार दिया। इस संबंध में अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तथा सभी तथ्यों के आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को।